अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी पर खेले जा रहे जुए सट्टे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 36,000 रुपए भी जब्त किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर दक्षिण उपाधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तारागढ़ की तलहटी पर घेराबंदी की गई और ताश पत्ती खेलने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी जुआ खेल रहे थे और उनके पास हजारों की रकम बरामद हुई है। इस मामले में रामगंज फकीराखेड़ा के सलीम इशाक, भगवानगंज का पन्ना, सोमलपुर का जवाहर सिंह, अजय नगर का चक्रुद्दीन, रामगंज की मोती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से न्यायालय ने सभी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। रामगंज से एक इतला आई थी कि जुआ वहां पर खेला जा रहा है, तारागढ़ जो रोड जाती है उस पर। उस इतला पे कृष्णगंज की टीम, स्पेशल टीम और रामगंज की खुद की टीम, तीनों टीम ने मिल करके उस जगह की रेकी की। रेकी करके देखा तो एक घर है जहां जिसके पीछे लोग खेल रहे हैं, कमरा है, उस कमरे का घेराव किया और घेराव करके 8 व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया। सब लोकल ही हैं, सभी रामगंज इलाके के रहने वाले हैं और वो बैठ करके ताश से जुआ खेल रहे थे। कुल रकम 36,000 रुपये बरामद की है उनसे और साथ में ताश की 2 गड्डियां भी बरामद की है। ये आपस में बैठ करके खेल रहे थे, किसी कमरे के पीछे खेल रहे थे, किसी के घर के अंदर ये नहीं खेल रहे थे। इनकी इतला आई थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे इसके आसपास खेल रहे हैं, स्पष्ट लोकेशन शायद नहीं दे पाए थे लेकिन तारागढ़ रोड पे कुछ जगह बताई थी, तो उसकी रेकी करके पुलिस की टीम ने फिर उस जगह को चिन्हित किया। जब उन्हें समझ में आया दूर से देखा कि हाँ यहाँ पर शायद गेम चल रहा है, उस आधार पर फिर 3 स्पेशल टीम, कृष्णगंज की टीम और रामगंज की टीम मिलकर के जाकर के वहाँ पर कार्रवाई की।